रमेश जी। रमेश जी हमारे चैनल में पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी बात बताइए, कभी भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि चार जस्टिस बोर्ड पर आकर बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो आप एक अधिवक्ता हैं तो आप किस तरीके से किस नजर से देखते हैं लोकतंत्र? मैं ऐसा मानता हूँ कि इस हिसाब से इतिहास हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जजेस ने और सीनियर जजेस ने किया, तो मैं ऐसा मानता हूँ सकता है कि उन्होंने इस तरह देखा होगा, उन्होंने एनालिसिस किया होगा, क्योंकि उनके पास में बहुत बड़ा अनुभव है। इतना अनुभव उनके पास में था, उस अनुभव के आधार पर उनको लगा होगा कि इस देश में लोकतंत्र को खतरा है, इसलिए आकर के उन्होंने पब्लिक के बीच में कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के थ्रू मीडिया के थ्रू देश की जनता को आगाह किया कि लोकतंत्र को खतरा है और हो सकता है शायद जुडिशरी उसको संभालने में या बचाने में नाकाम हो, तो लोग यहाँ के चेत जाएं, वो जागरूक हो जाएं और लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ प्रयास करें। लोकतंत्र जैसे लोगों का तंत्र, उसको लोग ही बचा सकते हैं। जब तक हम अपने यहाँ के लोगों को जागरूक जब तक नहीं करेंगे लोकतंत्र के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, तब तक लोग